जनरली बाय इलेक्शन के रिजल्ट को हम बिग पिक्चर की तरह नहीं देखते हैं, उसको कहा जाता है कि आया गया, इससे बड़ी जो तस्वीर आ रही है सामने में उस पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्नाटक में दो चीज़ बड़ा अनयूजुअल हुआ है। पहला अनयूजुअल ये था कि दो जो गठबंधन के पार्टनर हैं कांग्रेस और जेडीएस, इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन था और नियर परफेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर हुआ है। मतलब कांग्रेस के सपोर्टर ने जेडीएस को टोटली इम्ब्रेस किया, उसी तरह जेडीएस के सपोर्टर ने अपना सारा वोट कांग्रेस को दिया। और दूसरी बात हमको याद करना चाहिए कि पांच कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें तीन लोकसभा था और दो विधानसभा था, उसमें उपचुनाव हुआ था, पांच में से चार जगह कोएलिशन, मतलब जेडीएस और कांग्रेस कोएलिशन के कैंडिडेट को 60% या उससे ज़्यादा वोट मिला। ये दोनों बहुत ही अनयूजुअल है। चूँकि अनयूजुअल हुआ है इसीलिए बिग पिक्चर जो हमको 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा उस पर इसका क्या असर होगा, आज उसी को एनालाइज करते हैं। पहला ये प्रेमिस ये है कि क्या ये बीजेपी के साउथ इंडिया ड्रीम का द एंड है। हमको ये समझना पड़ेगा कि साउथ ऑफ इंडिया में बीजेपी का किसी स्टेट में अगर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रहा है तो वो कर्नाटक रहा है, और कर्नाटक में पिछले दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। 2014 में 28 लोकसभा में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती और अच्छा हेल्दी वोट शेयर के साथ। अब अगर हम ये इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपके अपोनेंट को 60% या उससे ज़्यादा वोट मिल रहा है, इसका मतलब आप उसके सामने में नहीं टिक पाएंगे। अगर ये ट्रेंड 2019 में परसिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि बीजेपी का प्रेजेंस कर्नाटक में बहुत ही कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ इंडिया के 130 लोकसभा सीट्स में इक्का दुक्का सीट्स पे ही बीजेपी का प्रेजेंस रहेगा। अब दूसरी बड़ी बात कि ये जो पोटेंशियल लॉस होगा साउथ इंडिया में, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? अब इसके लिए हमको 2014 के रिजल्ट को देखना पड़ेगा। तो उसमें जो सिग्निफिकेंट है, देश के पांच राज्यों में 67 लोकसभा सीट्स है, जिसमें से 67 मतलब हर सीट बीजेपी ने जीती थी 2014 में। और वो राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली। इन पांच स्टेट्स में बीजेपी को 100% सीट्स मिली थी। इसके बाद नंबर आता है चार और स्टेट्स का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन चार राज्यों में 134 लोकसभा सीट्स है और बीजेपी को मिला था 122 लोकसभा सीट्स। अब इस दोनों कैटेगरी में हमको एक चीज़ एकदम से क्लियर है कि इन नौ स्टेट्स में बीजेपी को गेन नहीं हो सकता है, लॉस ही होगा। 100% से आप नीचे ही जाएंगे, 94% से आप नीचे ही जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है कुछ और स्टेट्स का, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें इंडिविजुअली देखते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके एलआई को 42 out of 48 लोकसभा सीट्स मिला था। बिहार में बीजेपी और एलआई को 31 out of 40 मिला था। हरियाणा में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। इन तीन स्टेट्स में भी बीजेपी को गेन होगा ये बहुत ही मुश्किल दिखता है। पंजाब के मूड से लगता है कि बीजेपी को वहाँ गेन नहीं होने वाला है, और हरियाणा से जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हरियाणा में भी बीजेपी को गेन नहीं होगा, लॉस ही हो सकता है। तो फिर बचा कौन स्टेट्स, कौन रीजन? एक नॉर्थ ईस्ट और एक उड़ीसा, और दोनों मिला के 40 लोकसभा सीट्स है। कुल मिला के पूरा हिसाब अगर जोड़ें तो 485 लोकसभा सीट्स ऐसे हैं जहाँ बीजेपी को लॉस ही हो सकता है, वहाँ गेन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सारे जगहों पे बीजेपी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था। इन नंबर्स को देखने के बाद आप खुद कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कर्नाटक का झटका बीजेपी के लिए कितना बड़ा है। और दूसरी बात, बीजेपी का जो डायरेक्ट कंटेस्ट होता है 190 सीट्स में, वो कांग्रेस से होता है। तीसरी बात कि कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर जो है अब बराबरी का होता जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब में, उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। इन तीनों स्टेट्स में, पंजाब में कांग्रेस वे हेड था, गुजरात में और कर्नाटक में कांटे की टक्कर थी। और अभी जो तीन स्टेट्स चुनाव में जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें मिक्स्ड रिपोर्ट आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है,
और राजस्थान में कांग्रेस का स्वीप बताया जा रहा है। इन तीन स्टेट्स में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। कुल मिला के पिछले एक साल का नैरेटिव ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो मुकाबला एक तरफा हो गया था, अब वो इवन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से मिसबैलेंस्ड है। और उसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि 2014 के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, और उसमें 10 लोकसभा बाई इलेक्शन में बीजेपी को हार मिली है, और उस 10 में से 5 जगह कांग्रेस से हार मिली है। ये सारे बात एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुकाबला अब बराबरी का होता जा रहा है। और ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 189 सीट्स पे सीधा कंटेस्ट था कांग्रेस और बीजेपी का, और उसमें से 166 सीट्स बीजेपी ने जीते थे। इसका मतलब बहुत ही एकतरफा मुकाबला था। अगर ये मुकाबला बैलेंस वाला होता है, बराबरी वाला होता है, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इन तीन बड़ी बातों की सबसे बड़ी बात ये कि 2019 का मुकाबला एकदम से ओपन है और इसके कई दावेदार हैं।